नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने सच जानने के लिए झुंझुनू शहर का दौरा कर सच अपनी आंखों से देखा। शहर में गली सड़ी सब्जी फलों पर पड़ी तो नजर, तत्काल रूप से सब्जी बेचने वाले दुकानदार को तत्काल प्रभाव से सड़ी गली सब्जी हटाने के आदेश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने एक किराना स्टोर की दुकान का जायजा लिया, जहां पर दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की रेड लिस्ट नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वस्तुओं के उचित मूल्य संबंधी कार्यवाही करने को कहा। इसके अलावा शहर के प्रताप सिटी के निकट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर तबके की जानकारी ली। इसके अलावा शहर में कई जगह पर जरूरतमंदों को भोजन तैयार कर बांटने वाले रसोई घर में जाकर भोजन का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा यूपी के वासिंदे जो कि अपने राज्य में जाना चाहते हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा शहर के चूना चौक स्थित मुरलीधर ब्रजमोहन गेस्ट हाउस में बनने वाले भोजन का निरीक्षण किया। बावलियों की बगीची में बनने वाले भोजन का निरीक्षण किया। संबंध में खाना खजाना भाजपा कार्यालय में बनने वाली रसोई का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि बड़े साहब के दौरा करने की सूचना कई रसोई संचालकों को पहले ही लग चुकी थी। इसके लिए वो पहले से ही अपनी सभी प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। भाजपा कार्यालय में जब कलेक्टर ने रसोई का जायजा लिया, तब उन्होंने रसोई की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मामनगर में पिछले एक महीने से अधिक समय से भाजपा रसोई का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर झुंझुनू शहर में 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है और यह अनवरत चलता रहेगा। हम इसके अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों में वितरण करते हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब, डीएसओ साहब, डिप्टी साहब, कोतवाल साहब व नगर पालिका की टीम भाजपा कार्यालय के अंदर आई और रसोई का निरीक्षण किया।